मांगलमागलिये शिवे सर्वासाधिके शरणतम के गौरी नारायणी नमोस्ते। जय श्री राम। साथियों नमस्कार। साथियों अष्टलोक जय जय कराय का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों वर्तमान समय में पितृपक्ष चल रहा है। जैसा मैंने आपसे चर्चा किया था कि यह अश्विन अर्थात कुवार का जो महीना है, यह इसका कृष्ण पक्ष हमारे पितृदेवता जो हमारे पूर्वज होते हैं इनके लिए समर्पित है, और इसी का जो आधा पक्ष है मतलब शुक्ल पक्ष होता है उसको हम देव पक्ष कहते हैं। तो एक ही महीने में दोनों पक्षों का होना, इसका मतलब कि कितनी महत्ता है पितृपक्ष की, इसके इससे आप स्वयं अपना आकलन कर लें। तो इस पितृपक्ष में हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, और जो लोग पूर्वजों की उपेक्षा करते हैं शास्त्रानुसार उनके घर में पितृदोष का कारण बनता है। लोग पितृदोष से परेशान होते हैं, कोई न कोई बाधाएं घर में उपस्थित होती रहती हैं, परेशानियां होती रहती हैं। जब काफ़ी परेशानी हो जाती है तो आप किसी पंडित से विद्वान से इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं, पता लगा कि आपको पितृदोष हो गया है, आपके घर में पितृदोष है। तो उसके लिए आपको तमाम तरह के नाना प्रकार के आपको संजाल बनाने पड़ते हैं उनको शांत करने के लिए। तो हम क्यों न पितरों को पहले से ही संतुष्ट करें रखें ताकि वो हमको परेशान न करें जो है। तो साथियों मैंने अपने एक वीडियो में पितृपक्ष के सारी तिथियों का उल्लेख किया था, किस तिथि किस तारीख को किस तिथि का श्राद्ध होगा, किस तिथि मृत्युमान श्राद्ध होगा। साथियों कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जैसे श्राद्ध में तीन पीढ़ियों के साथ होता है, आपके पिता का, पिता के पिता का और प्रपिता का। तो कुछ लोगों का आपको जैसे कि या पिता, कुछ लोगों को तो पिता को पता नहीं चलता कि अज्ञात तिथि में मर गए, आप उनको आपको याद ही नहीं होगा कि आपको उनके पिताजी की मृत्यु कब हुई थी, किस तिथि को हुई थी। तो इसके लिए हमारे शास्त्रकारों ने ये सर्वपित्र की व्यवस्था की। सर्वपित्र कौन हुआ, जो हमारा आश्विन कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या होगी उसको सर्वपित्र अमावस्या कहते हैं। तो इसी विषय में अज्ञात तिथि जिन लोगों की हो गई, उनकी मृत्यु हो गई, उनके विषय में आपको बताने जा रहा हूँ कि उनका पिंडदान कब करना चाहिए। तो यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम बार उपस्थित हुए हैं अथवा हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन घंटी प्रेस कर लें, जिससे आपको नई नई बातें समय से पता चलती रहे, आप उनका लाभ उठाते रहें। तो साथियों जैसा मैंने चर्चा किया था कि जिन लोगों के तिथि ज्ञात नहीं है, अथवा मानिए कि आधुनिक युग में सब कुछ आप जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती है जिसे मानिए कि आप कोई पितृ जो है या कोई व्यक्ति मतलब कि मार्ग में कहीं गए, खत्म हो गए, उनको पता नहीं चला कौन सी तिथि थी, आज थी, कल थी जो है, कुछ ऐसी कब घटनाएं होती हैं, तो ऐसे लोगों का पिंडदान कब करना चाहिए। तो ऐसे हमारे शास्त्रों ने कहा है, हमारे जो विद्वानों ने इसकी पहले से व्यवस्था बना रखी है। तो आश्विन कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या होती है उसको सर्वपित्र अमावस्या के नाम से जाना जाता है। तो ये पड़ेगी साथियों 14 अक्टूबर 2023 को, दिन शनिवार को ये पड़ेगा। तो ऐसे लोगों के आप जो है जिनका आपको तिथि ज्ञात नहीं होगी उनको आप 14 अक्टूबर को सर्वपित्र अमावस्या को, उस दिन पितृ विसर्जन भी होगा, पितरों का विसर्जन जो दिन हो जाएगा, उनकी विदाई कर दिया जाएगा, तो उसी दिन जो है कि इसका पिंडदान किया जाएगा। तो साथियों आशा है कि आप इस जानकारी का लाभ उठाएंगे। अब आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नई नई बातें समय से पता चलती रहे, आप उनका लाभ उठाते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।